नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में हूँ आपके साथ शिवानी पांडे। जम्मू कश्मीर में आज कड़ी सुरक्षा के बीच ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पूरी घाटी में धारा 144 लागू है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। इसी बीच कश्मीर के लोगों ने ईद का त्योहार मनाया। सोमवार सुबह श्रीनगर समेत अन्य शहरों में लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे। प्रशासन की तरफ से लोगों को नमाज पढ़ने के लिए धारा 144 में कुछ ढील दी गई है। श्रीनगर से ईद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें स्थानीय लोग पुलिस वालों के साथ ईद मनाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोग पुलिस वालों से गले भी मिले। इसी के साथ पुलिस वालों ने कई मस्जिदों में मिठाई भी बांटी। हालांकि इस वक्त भारी संख्या में लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई थी और थोड़ी थोड़ी संख्या में ही लोगों को एकत्रित होने दिया गया। आज जम्मू कश्मीर में बकरीद के त्योहार के चलते धारा 144 में कुछ ढील दी गई थी। इस दौरान बाजार खुले हुए थे और लोग आसानी से बाहर घूम फिर रहे थे, लेकिन सोमवार सुबह ईद की नमाज खत्म होने के बाद एक बार फिर पाबंदी लागू कर दी गई है। यानी एक बार फिर धारा 144 में सख्ती बरती गई है। तो पहली बार धारा 344 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बकरीद का त्योहार मनाया गया, वो भी पूरी शांति और अमन के साथ। और हमारे सभी दर्शकों को और खास तौर पर मुसलमान भाइयों को बकरीद की ढेरों शुभकामनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।